गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रामू और छोटे भाई का नाम श्यामू था। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जबकि श्यामू बेहद चालाक और स्वार्थी था। रामू हमेशा अपने छोटे भाई की मदद करता था और उसे प्यार से समझाता रहता था। एक दिन श्यामू ने सोचा कि अगर वह अपने भाई को धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प ले तो उसे जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह रामू के पास गया और एक चालाक योजना बनाई। उसने कहा कि वह अपना हिस्सा मांग रहा है और दोनों को संपत्ति बराबर बराबर बांट लेनी चाहिए। रामू, जो हमेशा अपने भाई की भलाई चाहता था, उसकी बात मान गया। श्यामू ने चालाकी से सारे कीमती सामान अपने हिस्से में डाल लिए और रामू को कमजोर और बेकार चीजें दे दी। रामू को अपने भाई पर विश्वास था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। श्यामू ने सोचा कि उसने अपने भाई को बेवकूफ बना दिया है और अब वह राजा की तरह जिंदगी जिएगा। लेकिन कुछ समय बाद श्यामू को समझ में आया कि रामू के पास जो जमीन और वस्त्र बचे थे, वे असल में बहुत कीमती थे। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे और भी अमीर बना दिया, जबकि श्यामू की चालाकी और धोखाधड़ी ने उसे गरीब और अकेला बना दिया।